अब मज़ीद इसकी 3 से 4 मिनट बुनाई करेंगे हम। 5 चम्मच हमने मिल्क क्रीम मज़ीद बुनाई करेंगे इसकी 2 मिनट और मज़ेदार हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ वाइट कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं कि वाइट कढ़ाई घर पर किस तरह से बनाई जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाइट कढ़ाई बनाने के लिए बीफ गोश्त लिया हमने 3 पाव, 750 ग्राम। इसके बाद हम नमक डालेंगे 1 चम्मच, 1 टीस्पून। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 कप हमने पानी लिया है, ये डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक देंगे, मीडियम फ्लेम पर उबाल आने तक पकाएंगे। उबाल आ चुका है, अब हम इसके साइडों पे जो किचरा आ जाता है, मेल वगैरह आती है, इसको निकाल लेंगे पहले। अब हम इसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे। अब हम इसको लो फ्लेम के ऊपर गोश्त गलने तक पकाएंगे। जी तो अब हम अपना चेक कर लेते हैं गोश्त को। ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच हम पीसी हुई वाइट मिर्ची डालेंगे, 2 चम्मच हमने कुटी हुई मिर्ची ली है हरी, 1 कप हमने दही लिया है। हम इसकी भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। 4 अदद मैंने हरी मिर्ची ली है, 1 चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया लिया है। अब मज़ीद इसकी 3 से 4 मिनट बुनाई करेंगे हम। 5 चम्मच हमने मिल्क क्रीम के लिए, 1 देखें अच्छी तरह से बुनाई भी हो चुकी है और मज़ेदार हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप अपने घर पर इस कढ़ाई को ज़रूर ट्राई करें। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।